ढाका पड़ गया जी हाँ। आज ये रात में जी हाँ। आपको किसी पर शक है? सर मैंने उसे अपने आंखों से खुद देखा है। यानी कि आपने उसी को पहचान लिया है? जी हाँ। कौन है? हमारे मंत्री पर रहने वाला है जिसका नाम है लाखन सिंह। लाखन सिंह ठाकुर साहब आप एक रिपोर्ट दर्ज करवाइए, उसके बाद हम इसके तहकीकात और इंक्वायरी करेंगे। बहुत अच्छी बात। सुना जी। यस सर। ठाकुर साहब क्या डकैती पड़ गई? डकैती पड़ गई हाँ। अभी नहीं आज रात में इनकी एक रिपोर्ट दर्ज करो। तुम्हारे बाप का खाना था? हाँ तो हमारे बाप नहीं तो बाप का नहीं है। ठीक है भूख लगाने की आदत है। देखो हमारे पास वक्त नहीं है। चिल्ला का क्या कहिए था? सबसे पहले अपना नाम बताइए। जमींदार सागर सिंह। जमींदार सागर सिंह। बाप का नाम? श्री प्रताप सिंह। श्री प्रताप सिंह मेरा पागल। श्री प्रताप सिंह को श्री प्रताप सिंह। माता का नाम? माता का रहने दीजिए। कौन कौन सा सामान है? द्रव्य चाली और 500 ग्राम सोना। ओ पूरी सराफा दुकाने खोले पड़े। और बोलिए 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए नगद? तुम्हारे कई में बैंक वगैरह उसमें डाल देते, 2 लाख रुपए घर में रखते हो। इतने रुपए प्रति खराब भी मार देते हैं। बारे खाएगा द्वारे तो स्वामी के चार नहीं कहीं खाएगा बहुत बात। और बोलिए एक देशी डायना। एक विदेशी डायना। गातोस की बेल्ट। गातोस की बेल्ट। 200 ग्राम का हीरो का हार। विशाल खाने का हीरो का हार। हीरो का हार और बस इतना ही सामान गया। जी हाँ। और आपने किसको पहचाना है? लाखन सिंह। लाखन सिंह। बाप का नाम? स्वर्गीय राम सिंह। स्वर्गीय राम सिंह। अरे यार मर चुका है स्वर्गीय राम सिंह। लिखो स्वर्गीय राम सिंह। देख रात्रि 12 बजे। 12 बजे डकैती पड़ रही है। आप कहाँ थे? हम सो रहे थे। सो रहे थे जब सो रहे थे तो उसको पहचान लिया। पुलिस को देखूंगा ना मैं। अंदर करवा देंगे जमानत होगी कि न्यायालय की केस कल को। जिस लाखन सिंह हमारी हवेली में डाका डालने के लिए आया उस वक्त हम सो ही रहे थे। उसने हमारी हवेली में लुटपाटी तो हमारे नौकर लोग जाग गए तो उसने उनको डालने के लिए फैल की। जवाब में हमारे नौकरों ने फैल दी। आज के बाद बत्ती वाले जाके पता करे। ठीक है फारो के अस्पताल में हमारी नींद खुल गई तो हमें भागते लाखन सिंह को देखा। हमें सिर्फ लाखन सिंह को पहचाना अन्य किसी को नहीं। ये तुम्हारी रिपोर्ट जांच हो गई। 10 रुपए रिपोर्ट की लिखाई बढ़ाई। 10 रुपए। ठाकुर साहब आपकी रिपोर्ट दर्ज हो गई। अब आप चाहिए और हम इसकी तहकीकात इंक्वायरी बहुत जल्द करें। आपकी तहकीकात इंक्वायरी बहुत जल्द होनी चाहिए। जाइए जाइए 4-6 महीने में इंक्वायरी हो। 4-6 महीने में? अरे ठाकुर साहब एक पागल है। आप इसकी बात ध्यान क्यों देते हैं? ये पागल अपने से बाप पागल हूँ तो पागल पागल को पाला पड़ी जाए आपको। पागल तेरी और उसकी कोई दुश्मनी क्या? इनका मैकेनिक का जन छोटिया चौराहे छुटिया छोटिया चौराहे ये छोटिया चौराहे में नहीं रहता है। किशनगढ़ का जमींदार सागर सिंह नाम इसका। अच्छा मुखारी को जो भी मारे हैं मारा था हाँ किसी दिन जो भी बात आ जाएगा। यह बात तो सही है। क्या सही है? कुछ चुप है सुन। हाँ यहाँ से चलते सीधे लाखन सिंह के घर और उसके घर की तलाश लेते हैं। अगर सामान बराबर हो तो सारे कलेक्ट करके लाते हैं। रुको रात में तुम इधर उधर पहुँचाएगा तो हम 10 रुपए दुकान भेजा दे दिए। खर्चा तो हमारा
समझे में परेशानी तो हमारे समझे हमको रहता है किसी पैसे की बहुत जरूरत बहुत जरूरत है तुम्हारे भी थोड़े बहुत जरूरत खर्चे वाली पड़ जाए मेरे पास पैसे नहीं क्योंकि भी मेरा वेतन नहीं मिला तू क्या कर पाया अनुभव नहीं दी है हाँ ये क्या तो समझ मारो तुम्हारे लिए तो शुक्ला जी अभी महीने की तनख्वाह नहीं मिली है तनख्वाह महीना कब आओ तनख्वाह में अबे महीने में तनख्वाह दी है उल्टा सीधा ने थोड़ा मेहनत लाइक करी यानी काम मेहनत कर मेरे चले से तुझे रुपये मिल जाएंगे ठीक है तुझे रुपये मिलेंगे तो मैं चलूंगा काम साहब आज हमारी जन चौराहा ने जो भैंसी का क्या खत्म हुई गई वैसे हाँ चलो तीन दिन की कोल ने 600 रुपया चमड़ा दिखाया का चमड़ा भी कोल लगा दिख रहा हूँ हम सोचे कौन कहा से काम हो जाए बकवास में रक्षण में था जिनकी तरफ से 20 रुपए के पुरस्कार और आप सुरेश मछली वाले धर्मगंज बाजार जिनकी तरफ से 20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार आया धन्यवाद मेरा पटेला था सदर से के पास रिश्ता मांग के गया था ना जाने रिश्ता मंजूर हुआ या नहीं बेटा माँ बापू साहब ने रिश्ता मंजूर किया नहीं लेकिन इतने देर से दरवाजे पर आवाज दे रहे सुना नहीं पता है साहब हम आपस में बातें करें आपस में बातें करा था क्या नाम है तेरा मेरा नाम डॉक्टर सिंह पूछा डॉक्टर सिंह आपका नाम राम साहब राम सिंह का रहे यार पकड़ घूम रहे तेरी मां निकला उमेश बहन साहब तेरी बहन राका सिंह साहब तेरी बहन की उम्र तो शादी हो गई शादी कैसी है अभी नहीं क्यों काम करती है शादी के लिए हम पैसों का इंतजाम कर रहे हैं पैसों का इंतजाम क्योंकि शादी में बहुत सारे पैसे लगते हैं जी साहब धंधा कौन सा करता है धंधा तो साहब मेहनत और मजदूरी करता है मेहनत और मजदूरी और चलो एक पड़ जाए तो चोरी और डकैती चोरी और डकैती हाँ या क्या मेरे साहब ये मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे खिलाफ रिपोर्ट सबसे रिपोर्ट झूठ है हमने उनके यहाँ कोई डकैती नहीं डाला अभी पता चल जाएगा झूठ है सच है शुक्ला जी यस सर जरा इसके डकैती करवा सी ये बैग इसके घर में था रखो से आकर से देखिए बैग क्या है ये बैग हमारे लिए था तेरा नहीं है जी हाँ सुना कहाँ से लेकर आया इसी के घर में था अरे छोटे बाबा सारे कान में चिल्ला रहा था देखिए साहब छोटे के ये बैग मेरा नहीं लाखन सिंह ये बैग मेरे घर में था इसलिए इस बैग को खोलने की जरूरत है खोल खोल जय ठाकुर जी।
बहुत सारा कहला के डकैती हमने नहीं डाला। उसका मतलब क्या है? कभी भी अभी घर में केवल मेरे सामान हमारी घर में आया कैसे? केवल मेरे सामान तेरे घर में आया कैसे? ये बात नहीं करने की। और सिखा
बता दिया डकैती जानना डकैती के की शादी करेगा अच्छा झूठ है सुन जितनी जल्दी हो सके इसकी सारे की जमानत का इंतजाम करके थाने आ जाना नहीं तो इसकी सारे की एक एक हड्डी तोड़ दिया तुम्हारा ऐसा मत करो मेरे बेटे को मत मानना जी मत करता बहुत बालों की बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ तुम्हारी